मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट है इंग्लिश है। इंग्लिश का नोटबुक में ये लिखने का है, राइट द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखने का है, उसका अपोजिट में रहेगा मतलब उल्टा अर्थ में रहेगा वो वाला। डी ए वाई डे, डे बोलेंगे तो दिन, उसको क्या आएगा रात। एन आई जी एच टी नाइट। आई एन इन अंदर। ओ यू टी आउट बाहर। ए एस एल डब्ल्यू पी अस्लीप, स्लीप मतलब सोए रहना। ए डब्ल्यू ए के ई अवेक जागना, स्लीप मतलब सोना, अवेक मतलब जागना। एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह। ई वी ई एन आई एन जी ईवनिंग शाम। एफ आई एन डी फाइंड ढूंढना मतलब। एल ओ एस टी लास्ट, लास्ट मतलब घुमाना, फाइंड मतलब वो अपने को मिल जाता है उसका मीनिंग में आएगा। ये उसके नीचे का ये लिखने का है, अंडरलाइन द नाउन्स। ये नाउन्स बोलेंगे तो क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड बोलेंगे तो उसी में ये पर्सन्स का आएगा, प्लेसेस का आएगा, एनिमल्स बर्ड्स वो सबका नाम आएगा। नेमिंग वर्ड बोलेंगे तो वही है। अभी तुमको क्या करने का है, नीचे दिया वो सेंटेंस में से नाउन्स को अंडरलाइन करने का है। नंबर वन है द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय अपने को दूध देती है। इसी में नाउन कौन सा बनेगा, काउ और मिल्क बनेगा। ये दोनों को नीचे लाइन खींचने का। माई मदर इज ए टीचर, इसी में भी मदर और टीचर आएगा। ए बर्ड लिव्स इन ए नेस्ट, इसी में किधर आएगा, बैड में आएगा और नेस्ट में आएगा। आई हैव ए पेट डॉग, इसी में नाउन कौन सा है, डॉग है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द बेड, इसी में बॉय में भी आएगा, बेड में भी आएगा। ऐसा ये नाउन्स है, इसी में यही दूसरा सेंटेंस भी देंगे उसी में भी नाउन्स ढूंढ के अंडरलाइन करने का है। अभी ये दोनों वन टाइम लिख लेंगे, उसके बाद में सेम वन टाइम एच डब्ल्यू डाल के एक पेज लिखने का है।